Hi, my dear students, welcome back. Today we are going to study the third chapter from your book, Safe Again. आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर. चैप्टर का नाम है सेफ अगेन. ये एक विन होवर के कहानी है. विन होवर इज अ बर्ड, एक पक्षी है. इज अ स्मॉल हंटिंग बर्ड ऑल्सो कॉल्ड केस्ट्रल. इसका दूसरा भी नाम है केस्ट्रल. मोस्ट ऑफ द टाइम द बर्ड जस्ट hovers, stops, stays in the air and flaps its wings without moving forward. कभी कभी ये केस्ट्रल ये बर्ड विन होवर फ्लैपिंग इट्स विंग्स, विंग्स तो चलेगा लेकिन आगे नहीं जाएगा. दे विल स्टे इन द एयर, हवा में खड़ा हो जाएगी विदाउट मूविंग फॉरवर्ड. आगे नहीं जाएगा, हवा में खड़ा हो जाएगी. इसलिए विन होवर नाम आगे इनका. हियर ये विन होवर टेल्स इट्स स्टोरी. यहां पे विन होवर खुद की कहानी बोल रहे, उनके जन्म के टाइम में क्या था, फिर क्या हुआ था, उसके बारे में एक छोटी सी बात आपको बता रहे. कहानी किसका है? विन होवर. विन होवर कौन है? ये स्मॉल हंटिंग बर्ड है. दूसरा नाम क्या है? केस्ट्रल. अब ये हंटिंग बर्ड खुद की कहानी बोल रहे. व्हेन आई ओपन माय आईज, पहली जब वो अंडे से बाहर आए तब की बात बोल रहे. व्हेन आई ओपन माय आईज द स्काई इज द फर्स्ट थिंग आई सी, सबसे पहला देखा मैं क्या देखा है? आकाश ही देखा है. एंड द विंड इज द फर्स्ट थिंग आई फील, सबसे पहले महसूस किया चीज वो भी हवा. पहले क्योंकि अंडा के अंदर थे, अंडा से बाहर आ गया. व्हेन इट केम आउट ऑफ द यग, सबसे पहले इसने क्या देखा? देखा तो ब्लू स्काई. क्या महसूस किया? हवा, एयर. एंड आई हियर चिपिंग फ्रॉम द एग. चिपिंग, चिपिंग मीन्स द साउंड ऑफ बीक टैपिंग इनसाइड द शेल. वो अंडा के अंदर बीक से चोंच से क्या कर रहा है? ये मतलब दूसरा अंडे से बच्चे बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे. वो अंदर ये आवाज आ रहा है, चिपिंग आवाज फ्रॉम द एग क्लोज टू माय ओन ब्रोकन सेल. मेरा, मैं तो अंडा से बाहर आ गया, वो अंडा के बाहर की शेल तोड़ के आया, सेल तोड़ के आया था. अब मेरा ब्रोकन शेल की पास, टूटा हुआ शेल के पास मैं देखा दूसरा अंडा से क्या कर, क्या हो रहे? एक आवाज आ रहे. एंड देन ये पॉइंटेड बीक बर्स्ट थ्रू, सबसे पहले बर्स्ट थ्रू केम आउट सडनली, एकदम एक छोटी सी शार्प चोंच अंडे से बाहर निकल गया. देन देयर इज मोर चिपिंग एंड आई सी ए टाइनी पेल हेड. मैं देखा एक छोटा सा पेल, लाइट इन कलर, डल इन कलर का एक छोटा सा सर. मेरा भाई का है, मेरे सिस्टर का है. ये पॉइंटेड बीक बर्स्ट थ्रू, देयर इज मोर चिपिंग, और चिपिंग आवाज आ रही, मतलब और अंडा टूटने की, तोड़ने की आवाज आ रही. एंड आई सी ए टाइनी स्मॉल पेल हेड, एक वेरी लाइट कलर की एक सिर मैंने देखा. ये चिक, एक छोटा सा चिक, चिक मीन्स बेबी बर्ड, स्ट्रगल्स आउट ऑफ इट्स शेल. एंड देन अनदर, एक छोटा सा चिक वो अंडे से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे आवाज से. फिर दूसरा, दूसरा अंडा. दे आर
my brother and sister. ये मेरा भाई और बहन थे. तो तीन. सबसे पहले मैं आया था बाहर. The first thing I saw was the blue sky. The first thing I experienced and I felt was the air. तो मैंने देखा दूसरे अंडे से ये चिपिंग आवाज आ रहे. Then और आवाज आ रहे. तब एक छोटी सी टाइनी बीक वो अंडे से बाहर निकला. फिर और चिपिंग आवाज. मैं जिस अंडे से बाहर आया वो टूटा हुआ शेल के बाहर बैठ रहा था. एंड आई नोटिस्ड एक छोटा सा टाइनी हेड पेल हेड अंडे से बाहर आ गया. देन अनदर दो छोटे चिक अंडे से बाहर आए. ये कौन कौन थे? मेरा भाई और बहन. माई मदर एंड फादर ब्रिंग अस माइस. माइस चूहा. माउस सिंगुलर है एक वजन है उसका प्लूरल है माइस. एज फास्ट एज दे कैन कैच जितना जल्दी पकड़ सके उतना जल्दी पकड़ के मेरे लिए और मेरा भाई बहन के लिए माइस लेके आए. वी एट दम. हम तो खाए खाना खाए. एंड ग्रो फास्ट जल्दी 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 हम बढ़े. बट आई ग्रो द फास्टेस्ट. लेकिन सबसे तेजी में किसका ग्रोथ हुआ था? क्योंकि ये बड़ा है सबसे ज्यादा तेज मेरा ग्रोथ हुआ था. एंड वी लिव इन ए हॉल इन द वॉल ऑफ ए स्कूल. एक स्कूल की दीवार पे एक छोटा सा हॉल था. वो हॉल के अंदर है हमारा घर. वी लिव्ड टुगेदर इनसाइड ए हॉल इन द वॉल इन द स्कूल. स्कूल की दीवार पे एक छोटा सा हॉल था. हॉल के अंदर हम सभी रह रहे थे. किसका कहानी है? विन हॉवर. देन व्हाट डिड द मदर एंड फादर ब्रिंग फॉर द चिक्स? चिक्स के लिए क्या लेके आए? चिक्स के लिए माइस चूहा को लेके आए. एंड द बर्ड्स गेट दम एंड दे बिगन टू ग्रो ग्रो ग्रो. सबसे तेजी में ग्रोथ हुआ था हमारा विन हॉवर का. देन Where did they live? They lived in a hall in the wall of a school. एक स्कूल का दीवार पे था. We stretch our wings and flap them just like our parents do. हमारे पेरेंट्स कैसे करते वैसे हम भी हमारा विंग्स स्ट्रेच अप कर दिया. And began to flap. The children in the playground are now looking up and pointing to us. वो स्कूल थे. स्कूल पे बहुत सारे बच्चे थे. The children in the playground. जो वहां पे playground में खेल रहे थे ये बच्चे देखा. And now looking up and pointing to us. They are saying, वो बोल रहे हैं. Look, look, look. At the baby Win Hover. देखो 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 वो छोटा Win Hovers को. Look at their fluffy, light and soft feather को देखो कितना अच्छा लग रहा है. And the children began to say, pointing to the Win Hover. देखो 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 वो छोटे small chick को देखो उनका feathers कैसे fluffy, soft and light. Then, बच्चा notice the students, not children notice. The small Win Hovers. One evening. After school, एक दिन स्कूल के बाद शाम के वक्त I hear a sound of footsteps coming towards us. मैं सुना किसी का footstep का आवाज. कोई आ रहे आने उनका पैर का footstep का आवाज आ रहा है. We shuffled. शफल के मतलब वॉक स्लोली विदाउट लिफ्टिंग द फीट. हम फीट उठाए नहीं है धीरे विदाउट लिफ्टिंग द फीट. हम धीरे 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 पीछे की तरफ वो कर रहे हैं क्योंकि हमें पता हो गया कोई आ रहे किसी का आने की आवाज आ रहे. एंड देन वी सी ए डार्क शेप
ओवर अस। हम देखो हमारे पास एक कारा शेप एंड वी स्क्रीच स्क्रीच में से चिल्लाना स्क्रीचिंग अ बर्ड दिस इज नॉट अवर मदर और फादर। अरे ये हमारा फादर और मदर नहीं है, एक कौन है वो बच्चा है, क्योंकि बच्चा बहुत बड़ा है उनके लिए। तो वो फॉल के पास बच्चा आते कि ये स्मॉल चिक्स दे मूव्ड इनसाइड एंड बिगन टू स्क्रीच की। अरे ये हमारा फादर और मदर नहीं है, और कोई पता नहीं कौन है। दिस क्रीचर डस नॉट स्मेल लाइक ए बर्ड। अब ये इनका स्मेल एक बर्ड का स्मेल के जैसे दौड़ी आ रही, क्योंकि मनुष्य मनुष्य आ गया हॉल के पास, तो इनका स्मेल एक बर्ड का स्मेल जैसे नहीं है। एंड आई पैक पैक करना चोच से एक करना आई पैक एट इट एंड स्ट्राइक विथ माई क्लास। मैंने क्या किया, वो मेरा पैक से उनको स्ट्राइक कर दिया एंड विथ माई क्लास मेरा क्लास से क्या कर लिया स्ट्राइक कर रहे। द क्रिएचर मेक्स ए स्ट्रेंज नॉइस, एक अजीब सा आवाज बना है मनुष्य वो लड़का है एंड होल्ड्स मी राइट, एक तो मुझे पकड़ लिया। आई एम बंडल्ड इनटू अ सैक, मुझे पकड़ के क्या कर दिया एक बोरी में डाल के बंडल बनाया, बोरी में डाल दिया मुझे एंड टेकन फ्रॉम माय होम, मेरा घर से मुझे पकड़ के ले गए वो क्रिएचर। हुआ था क्रिएचर, वो कौन था, वन ऑफ द चिल्ड्रन, एक चाइल्ड था वहां पे आया, वो हॉल के अंदर से मुझे पकड़ लिया, एक बोरी में डाल दिया मुझे ले गए। तो किसका कहानी है, विन होवर की कहानी है। विन होवर कौन है, ये स्मॉल हंटिंग बर्ड है। तो सबसे पहले उसने क्या देखा है, नीलाकाश ब्लू स्काई। व्हाट डिड ही फील, सबसे पहले एयर और वेयर डिड दे लिव, एक हॉल पे स्कूल के दीवार पे। और व्हाट डिड देयर फादर एंड मदर ब्रिंग फॉर देम, माइस। वो तो जल्दी बढ़ रहे थे, तब एक दिन क्या हो गया, कुछ बच्चे ने देखा ये हॉल पे विंग होवर के बच्चों का, यार कितना अच्छा लग रहा है। देन व्हाट हैपेंड, एक दिन शाम को एक इमेज इमेज इधर मतलब ये विंग होवर का पता नहीं कौन, ये तो पहली बार देख रहे। तब वो क्रिएचर वो लड़का बिल्कुल हॉल के पास आ गया, मुझे पकड़ लिया, बैग में डाल दिया, ही टुक मी टू। फिर क्या हुआ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू।